प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 साल के होने वाले हैं और जब बात पीएम मोदी के जन्मदिन की होती है तो एक उम्मीद जाग जाती है कि पीएम मोदी को एक बार फिर अपनी माँ से आशीर्वाद लेते देखा जा सकता है। पीएम मोदी का अपनी माँ से खास लगाव है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपनी माँ हीराबेन के जन्मदिन पर माँ शीर्षक से एक ब्लॉग भी लिखा था। इस ब्लॉग में उन्होंने अपने बचपन और संघर्ष के दौरान की तमाम यादों के साथ ही जीवन में माँ के महत्व को भी बताया है। पीएम मोदी ने ब्लॉग में माँ हीराबेन की एक दो नहीं बल्कि दर्जनों अच्छी आदतों का जिक्र किया है। उस ब्लॉग की पीएम मोदी की माँ से जुड़ी 5 खास बातें हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने ब्लॉग में लिखा है कि गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए उनकी माँ मिट्टी के बर्तनों में दाना और पानी जरूर रखा करती थी। घर के आसपास रहने वाले स्ट्रीट डॉग्स भूखे ना रहें, माँ इसका भी ख्याल रखती थी। पीएम मोदी की माँ हर रोज नियम से गौ माता को रोटी खिलाती थी, लेकिन सूखी रोटी नहीं, हमेशा उस पर घी लगा के ही देती थी। पीएम मोदी ने ब्लॉग में लिखा है कि भोजन को लेकर माँ का हमेशा से ही ये आग्रह रहा है कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। वहीं पीएम मोदी के पिताजी के दोस्त के देहांत पर उनके बेटे अब्बास को भी माँ ने अपने बेटे की तरह पाला। यहाँ तक कि ईद पर माँ अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान तक बनाती थी। पीएम मोदी ने ब्लॉग में लिखा है कि हमारे घर के पास जब भी कोई साधु संत आते थे तो माँ उन्हें घर बुलाकर भोजन जरूर कराती थी। खैर, ये तो सभी जानते हैं कि माँ हीराबेन का पीएम मोदी के जीवन में बहुत ही बड़ा स्रोत है, जिसका जिक्र वो मौके दर मौके करते रहते हैं और कभी कभी तो वो भावुक तक हो जाते हैं। वहीं पीएम मोदी का उनकी माँ के साथ जैसा रिश्ता है वो लोगों के लिए भी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।